अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं दो घड़ियों की, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हुई हैं, और ये हम लोग ने ऑर्डर की है प्यारी वॉल से। इसके फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एड्स चल रहे थे, तो हम लोग ने भी ये ऑर्डर कर दी। हमने ये दो घड़ियाँ ऑर्डर की हैं जो कि इनके पेज की बहुत ज़्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये दोनों घड़ियाँ हमें विद डिलीवरी चार्जेस 3000 की रिसीव हुई हैं। तो जी, करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। जब ये हमें रिसीव हुआ तो ये बहुत अच्छी पैकिंग में था और बहुत ज़्यादा सिक्योर पैकिंग में था। मटेरियल जो इसका है वो एक्रेलिक है। स्टाइल नंबर 1 जो के लगने के बाद दीवार पे कुछ इस तरह से नजर आएगी। हम इसे पहले फर्श पे रख कर असेंबल कर रहे हैं ताकि जब हम इसे वॉल पे लगाएं तो हमें आसानी हो जाए। तो जी, असेंबल होने के बाद जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसकी जो है मेजरमेंट्स ले लेंगे, साथ में वॉल की भी मेजरमेंट्स ले लेंगे ताकि हमारी जो वॉच दीवार पे लगेगी वो बिल्कुल सेंटर में लगे, आगे पीछे ना लगे। इसको वॉल पे पेस्ट करने के लिए हमें इसके साथ हैवी ड्यूटी डबल साइडेड टेप भी दी है, जिसको हम इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके लगा लेंगे। तो जी, जिस वॉल पे हमने इसको लगाना है पहले हम उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि उसके ऊपर किसी किस्म की डस्ट ना हो, वरना इसका जो स्टिकनेस है वो ख़राब हो जाएगी। अभी जो आप लोग को ये ब्राउन शीट नज़र आ रही है वो इसकी प्रोटेक्टेड शीट है। कंप्लीट वॉच लगाने के बाद हम इसे पील ऑफ कर देंगे। बहुत इजीली ये रिमूव हो जाएगा। अब इसके अंदर हम नीडल्स अटैच करेंगे। अब हम इसकी ब्राउन शीट को रिमूव कर देंगे। ब्राउन शीट को पहले रिमूव ना करने का मकसद ये था कि इसमें किसी किस्म के स्क्रैचेस ना आ जाएं। वॉच है उसको हम कील की मदद से लगाएंगे, डबल साइड टेप से नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने डबल साइड टेप से लगा दी तो जब हम बाद में सेल चेंज करेंगे तो उससे हमारा पेंट खराब हो सकता है। टाइम टू रिवील। मुझे तो ये वॉच बहुत प्यारी लगी है। आप लोग को ये वॉच कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने इस वॉच को बाय करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जी, अब हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं वॉच नंबर 2 की। तो जी, दिखने में ये कुछ होगी इस तरह से, और इसके अंदर से हमें कुछ ये सामान रिसीव हुआ है। इसके साथ भी हमें ये टेप रिसीव हुई है, साथ में हमें ये पेपर का मेजरिंग स्केल भी दिया हुआ है जिससे हम वॉच को एक्यूरेट लगा सकते हैं, साथ में इसके मैनुअल भी है। तो हम फटाफट इसे भी लगा लेते हैं और फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं। Thank you.
ये वाली वॉच लगाना हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी था और ये बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल बना भी नहीं है, लेकिन चलें खैर है, काम चल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत काम आएगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।